नंबर नीचे से छठा नंबर आरजीबी में यहाँ पे लाइट को आप देखते रहना है, तो यहाँ पे अभी यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है अपना P10 डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। इसमें हम पिछले वीडियो में दिखाए थे पासवर्ड मतलब रीसेट करके, कि अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रीसेट कैसे करना है, ठीक है। तो रीसेट का तो वीडियो हम डाल दिए थे, और भी काफ़ी चीज़ था, इसका रिपेयरिंग कैसे करना है, सारा चीज़ अगर ख़राब होता है तो कैसे उसको ठीक चेक करते हैं, तो सारा वीडियो हम डाले हुए थे पिछले वीडियो में। तो उसमें अब कमेंट बहुत सारा आ रहा है क्या कि रीसेट कर देने के बाद में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर इसका चिप का आईसी जो है, आईसी नंबर कौन सा है, इस तरीके का बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो सोचे इस वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं वो चीज़ को। तो सबसे पहले एक बार रीसेट करके फिर से आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये अभी अपने पास में यहाँ पे चल रहा है कुछ राज मोबाइल करके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका लाइट को अभी फ़िलहाल हम ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिए। इसके बाद में यहाँ पे रीसेट वाले बटन को हम ऐसे करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ से हम इसको दबाए रखेंगे थोड़ी देर, एक मिनट, हिल गया था लग रहा है, ये देखिए दबाए रखेंगे। यहाँ पे लाइट को आप देखते रहना है, ठीक। लाइट जैसे ब्लिंक होना चालू होगा ना, अपने को छोड़ देना है। देखिए ब्लिंक होने लगा, छोड़ दिए। अब इसमें जो भी प्रोग्रामिंग था वो प्रोग्रामिंग चल गया। अब चले आते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, आ जाएंगे अपने मोबाइल रिकॉर्ड स्क्रीन की तरफ में। यहाँ पे अभी देखेंगे तो LED आर्ट ऐप जो है हम इंस्टॉल कर लिए हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर पे या फिर अगर आईफोन है आपके पास में तो वहाँ भी इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको वाईफाई में आना है। वाईफाई ऑन करते हैं, ठीक है। ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ से मेरा कार्ड जो है 4 लाइनर लगा हुआ है, तो 000। तो यहाँ पे पासवर्ड इसका जो होता है रेंडम पासवर्ड, अगर आप इसको रीसेट कर देते हैं तो इसके बाद में पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा। सो 888 आपको 8 टाइम डालना है। जैसे ही आपका 8 टाइम आ जाएगा यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया, इसको अभी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पासवर्ड जो भी डाले हों, लेकिन अगर आप इसको रीसेट करते हैं तो रेंडम पासवर्ड आ जाता है इसमें, जो कि रहता है 888। यहाँ पर अब अपने को आ जाना, देखिए आ गया ना, ऐड कर लेना है। यहाँ पर स्क्रीन पूछ रहा है कि स्क्रीन साइज क्या है, तो स्क्रीन साइज आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको LED काउंट कर लेना है, तो यहाँ पे एक पैनल में LED रहता है 32, देखिए विड्थ में रहेगा 32, तो यहाँ पे 32 कर देते हैं। हाइट में रहता है 16, तो इसी हिसाब से आप अपना बोर्ड में काउंट कर लीजिएगा कितना पीस पैनल लगा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसी तरीके से, और यहाँ पे इसको कर देना है ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपना स्क्रीन साइज जो है आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 इंच बाई 32 इंच का, तो यहाँ पे स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पे अब हम टाइप कर लेते हैं कुछ भी, जो भी आपको टाइप करना हो। ये सिंगल कलर के लिए है, RGB कलर का भी लगभग इसी टाइप का ही रहता है। साइज आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पर साइज ले सकते हैं, देख लीजिए साइज, ये रहा साइज, ठीक है। और यहाँ से फॉन्ट को बोल्ड भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसको रेंडम कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस मूव लेफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंटिन्यूस मूव लेफ्ट। स्पीड इसका 20-25 का रखते हैं तो सही सही स्पीड जाता है। आप सेंड करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभी यही प्रॉब्लम आ रहा है लोगों का, जो कि अपने पास में कमेंट आ रहा था कि यहाँ पर अभी देखिए हम जो यहाँ पर सेंड कर लिए तो प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप का शो आ रहा है। इसमें अब हमको करना पड़ेगा स्मार्ट सेटिंग। तो स्मार्ट सेटिंग करने के लिए एक बार बैक जाना होगा, यहाँ पे डिवाइस में आ जाएंगे। डिवाइस में आने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है हार्डवेयर में। हार्डवेयर में आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देता है इस वाले ऑप्शन पे, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना सारा कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपका कार्ड कौन सा है कैसे पहचानेंगे तो वो आपको अभी बताते। सिंगल कलर का अगर रहता है तो यहाँ पे आपको ये वाला आपका रहता है P10, यहाँ पे है ना, इस पर एक बार देखते करके मैनुअल चलने लगा, देख रहे ना, चलने लगा यहाँ पे माच। तो इसी तरीके से अभी आपको हम एक बार करके फिर से दिखा देते हैं इसका। पहले सेटिंग को हम ख़राब करते हैं, मान लीजिए हम ये ले लिए और इसको हम मैनुअल कर देते हैं। अब देखिए अपना कुछ इस तरीके से आने लगा।
अब इसको ठीक कैसे करेंगे, आईसी तो हमको पता था तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए, आपको अगर पता नहीं है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना सारा है देख रहे, इतना सारा एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। या फिर दूसरा चीज़ आपके पास में यहाँ पे है ऑटो, ऑटो का जैसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वन बाई वन 109 प्रोग्राम है, 109 चिप है इसमें, तो जो चिप यहाँ पे आपको सपोर्ट कर जाएगा ना, तो यहाँ पे स्टॉप का बटन है वहाँ पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे भी देखना है और यहाँ पे भी देखते रहना, जैसे डिस्प्ले अपना ओके होता है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा ये हो गया। दूसरा, ज़्यादातर RGB वाले में सिंगल कलर में आपका वही वाला रहता है जो हम अभी दिखा, देखिए यहाँ पे आ गया ना, अब बस यहाँ पे स्टॉप कर दिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर P10 में आपका रहता है कौन सा, CS P10R1 इस तरीके से। यहाँ पे 3216 यहाँ पे साइड में देखेंगे हब जो लिखा हुआ है, 32 हब 12 है, 3216 P10, तो ये 32 है अपना, 16 यहाँ पे है P10, तो यही यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना है, हब लेना है 12 और यहाँ पे P10, लेकिन कार्ड के ऊपर में चेंज भी हो सकता है, तो आप मैनुअली इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑटो में क्लिक करके, और जैसे ही वहाँ पे एक बार फिर से आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ पे हम मैनुअल कर देते हैं, अपना प्रोग्रामिंग ख़राब हो चुका है। अब क्या करते हैं, फिर से जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ऑटो, और यहाँ पे हम अपना देखते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए अपना चालू हो चुका है, स्टेप 1 1 2, मतलब 109 प्रोग्रामिंग है जिसमें यहाँ पे अभी आपका आएगा, जैसे यहाँ पे नाम क्लिक सही चलने लगेगा तो यहाँ पे पट से हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो देखते हैं, ये देखिए आ गया ना, इसको स्टॉप कर दिए। तो अपना प्रोग्रामिंग कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो RGB हो या फिर सिंगल कलर हो, इसी तरीके से RGB का भी हम आपको दिखा देते हैं। RGB में भी यहाँ पे आपका सबसे नीचे जब चल आएंगे तो यहाँ पे एक रहता है, कौन सा रहता है, अभी RGB रहता तो हम ऑन करके दिखा देते हैं, यहाँ पे रहता है डिफरेंट, यहाँ पे देखेंगे आप नीचे से 1 2 3 4 5 6 6 नंबर, नीचे से 6 नंबर RGB में लगभग यही वाला सपोर्ट करता है, नीचे से 6 नंबर, तभी RGB है नहीं तो दिखा देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ आप अपना प्रोग्रामिंग चेक कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ बताने का कोशिश किए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और P10 डिस्प्ले बोर्ड का बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।